तो इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से है, जहां बरेली में दो पक्षों में हुआ जमकर विवाद। मोटरसाइकिल निकालने को लेकर हुआ विवाद, विवाद में पथराव से कई लोग हुए घायल, एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। मोटरसाइकिल में भी आग लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है, मोटरसाइकिल निकालने को लेकर विवाद हुआ है। तो विवाद में पथराव से कई लोग घायल हुए हैं, एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी गई है। कैंट थाना क्षेत्र के उल्हेतापुर गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। तो मोटरसाइकिल निकालने को लेकर ये विवाद हुआ है, विवाद में पथराव से कई लोग घायल हो गए हैं, साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो मोटरसाइकिल में भी इस दौरान आग लगा दी गई। कैंट थाना क्षेत्र के उल्हेतापुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां बरेली में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। तो मोटरसाइकिल निकालने को लेकर ये विवाद होना बताया जा रहा है। विवाद में पथराव से कई लोग घायल हो गए हैं, साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी गई है। कैंट थाना क्षेत्र के उल्हेतापुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल निकालने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से हमारे सहयोगी शशांक राठौर जुड़ चुके हैं। शशांक, क्या पूरा मामला है फिलहाल, अभी वहां क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि बताया जा रहा है कि विवाद में कई लोग घायल हुए हैं, साथ ही एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये विवाद जो है मोटरसाइकिल निकालने को लेकर विवाद दो पक्षों में हुआ था, जहां जमकर पथराव किया गया और माहौल खराब करने को लेकर मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी गई, जिसमें एक गंभीर रूप से एक महिला घायल हो गई। इसको लेकर कैंट थाना क्षेत्र के उल्हेतापुर गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जिस तरीके से सभ्य बारात और होली की जो एक दिन की यात्रा थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए थे, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा अनहोनी ना हो प्रदेश में, और किसी भी तरीके से ये अनहोनी बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। तो माहौल बिगाड़ने को लेकर यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और उस इलाके में पूरी सुरक्षा तैनात है। शशांक, क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा, गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस छानबीन में लगी हुई है। जैसे ही सब लोगों की पहचान होती है और उसमें आगे की कार्रवाई फिर करी जाएगी। शशांक, अगर बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले वक्त में कई त्योहार है महत्वपूर्ण, ऐसे में इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्यवाही है उस पर सवाल उठाती है। क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही कहा है सभी से कि आपसी भाईचारा बनाए रखें और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं, फिर इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक है, लेकिन लोग माहौल बिगाड़ने को लेकर कि आपस में आपसी सौहार्द ना रहे, इसको लेकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन बहुत मुस्तैद है और इन तरीके की घटनाओं को पूरी तरीके से लगाम लगा रहा है, और मुख्यमंत्री के सीधे सीधे आदेश हैं कि इस तरीके की घटनाएं होंगी तो दोषियों को उसमें बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस उसमें कार्रवाई आगे की कर रही है। जी शशांक, धन्यवाद आपके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी शशांक ने बताया कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले में जो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है कि कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं।